50 की उम्र के बाद वेट में स्टेमिना टिकने के लिए ये चार फलों का सेवन जरूर करें। इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। होता है कि 50 साल के बाद ताकत कम हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, जोश, जुनून, उत्साह कम हो जाता है और जितना चाहिए उतना स्टेमिना बेड पर टिकता नहीं है। लोग बोलते हैं कि हाँ, पहले मैं रोज एक बार करता था, अभी हफ्ते में एक बार भी बड़े मुश्किल से होता है। तो इसमें हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए, बैलेंस डाइट, फ्रूट्स, सैलाड्स ये होना चाहिए, एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए। मैं भी आपको चार फल बताने वाला हूँ, पपीता, एप्पल, किशमिश और लेमन। ये चार फल के बारे में आज बातचीत करेंगे। नंबर एक है पपीता। पपीता में पपाइन नाम का एंजाइम होता है जो डाइजेशन में बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। इसके अलावा पपीता में विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, विटामिन ई ये अच्छे मात्रा में होते हैं। इसका फायदा इम्यून सिस्टम बढ़ाने में अच्छा होता है। विटामिन सी भी इसमें अच्छा होता है, विटामिन सी का प्रमाण भी अच्छा होता है और इसमें सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ती है और सेक्स स्टेमिना बढ़ता है, स्पर्म काउंट बढ़ने में भी इसमें फायदा होता है। तो पपीता का सेवन आप जरूर करें। नंबर दो है एप्पल। एप्पल जो है वो ऐसा बोला जाता है कि वन एप्पल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे। रोज एक एप्पल आप खाते हैं तो डॉक्टर को दूर रखो। 50 साल की उम्र के बाद में आपको बीमारियाँ हो सकती है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो इसको टालना है। डेफिनेटली आपने एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट के साथ साथ एक एप्पल रोज खाना चाहिए। एप्पल में फाइबर होते हैं और एप्पल का जो स्किन है ना, वो छिलका वो नहीं निकालना है, उसके साथ में खाने का है। तो फाइबर उसमें अच्छा होता है, विटामिन्स। एप्पल से वजन मेंटेन होने में बहुत फायदा होता है। 2016 के स्टडी के अनुसार जिन्होंने एप्पल रोज खाया तो उनको 14% इरेक्टाइल डिसफंक्शन, 14% लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन में फायदा हुआ। तो एप्पल खाना बहुत ही फायदेमंद है, सेक्स बेनिफिट 50 साल के बाद में डेफिनेटली। नंबर तीन जो है वो है किशमिश, रेजिन्स। किशमिश जो है उसमें फाइबर अच्छा है, आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, अर्जिनिन की मात्रा अच्छी होती है जो स्पर्म मोटिलिटी में, स्पर्म की मात्रा बढ़ाने में काम में आता है और सेक्स की इच्छा में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। बोन हेल्थ के लिए, पाचन संस्था के लिए ये बहुत फायदेमंद है कि उसमें फाइबर ज़्यादा है। हाँ, जिनको डायबिटीज़ है उन्होंने अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही रेजिन्स खाना चाहिए। नंबर चार जो है वो है लेमन। लेमन तो सबको सभी तरह सभी सीजन में अवेलेबल होता है। एक लेमन आप रोज लेते हैं, लेमन जूस ले लो, लेमन को दाल में, सब्जी में निचोड़ो, इसमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। विटामिन सी पूरा लेमन भरा हुआ है विटामिन सी से, इम्यूनिटी प्रतिकार शक्ति बहुत अच्छी बढ़ती है, इन्फेक्शन का प्रमाण जो है वो कम होता है, जिससे इरेक्शन में बहुत अच्छा फायदा होता है, फिर किडनी स्टोन से बच सकता है, जूरिया स्किन की जो है वो कम हो जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण और नाइट्रिक ऑक्साइड का सर्कुलेशन बढ़ाने में विटामिन सी मतलब लेमन बहुत फायदेमंद होता है। तो ये चार फल आप खाते हैं डेफिनेटली आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। 50 के बाद में आप बूढ़े दिखेंगे नहीं, जवान दिखेंगे, चमड़ी चमकेगी और सेक्स में भी आपका स्टेमिना अच्छा टिकना चालू हो जाएगा। फिर से बताता हूँ, नंबर एक है पपीता, नंबर दो एप्पल, नंबर तीन रेजिन्स है, नंबर चार है लेमन्स। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप सब्सक्राइब लाइक करते डेफिनेटली हमारा हौसला बढ़ता है और ऐसे नए नए वीडियो लाने में मजा आती है। थैंक यू वेरी मच। आप आपका ख्याल रखो, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू।